मचाने वाले आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर तैनात है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा भी रहे हैं। इसी बीच खबर आई कि दो आदमखोर भेड़िए जिनकी तलाश हो रही है वो ड्रोन कैमरे में कैद हो गए, जिनके बाद घेराबंदी की गई, जिससे उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। बहराइच के दर्जनों गांवों में भेड़िए की दहशत है। भेड़ियों को काबू करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। शुक्रवार को भी भेड़ियों का सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कई घंटों तक उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि छिपे छिपे फिर रहे दो आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में कैद हुए हैं, जिनकी वन विभाग की टीम ने घेराबंदी भी कर ली है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो दो भेड़िए अभी भी पकड़ में नहीं आ सके हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहराइच के कुलेला गांव में देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने उन्हें घेर लिया है। बहराइच में फिलहाल वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस खूंखार भेड़िए की एक लंबे समय से तलाश की जा रही थी, उन दोनों भेड़ियों की लोकेशन एक बार फिर मिल गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कुलेला गांव के उस बॉर्डर पर खड़ा हूं, जहां अब से कुछ देर पहले दोनों आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में ट्रेस किए गए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इन घने जंगलों में, इन खेतों में छिपे इन भेड़ियों को क्या आज भी वन विभाग पकड़ने में सफल हो पाता है, या फिर अभी वन विभाग को और कड़ी मशक्कत करनी होगी। पिछले डेढ़ महीने से खैरी घाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ नहीं दिख रहा हो। भेड़ियों ने दीवान पुरवा गांव समेत आसपास के गांवों में हड़कंप मचाया हुआ है। 120 घंटों से ज्यादा युद्ध स्तर पर खोजी अभियान चल रहा है। वन विभाग, पुलिस और पीएसी के 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इन आदमखोरों को पकड़ने के लिए जी जान एक कर दी है। भेड़ियों से निपटने के लिए वन विभाग, बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, स्वास्थ्य, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। स्थानीय लोग भी डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। भेड़ियों के पकड़ने के लिए हर जतन किया जा रहा है, ताकि उनकी दहशत का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए। भेड़ियों को अलग अलग तरीकों से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पटाखे भी छोड़े गए, अलग अलग गांवों के प्रवेश द्वार पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। जगह जगह थर्मोसेंसिंग कैमरे लगाए गए हैं। इंफ्रारेड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त सभी जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक और डीएफओ बहराइच मौजूद हैं। मैडम, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अब तक क्या फीडबैक मिला, क्या इनपुट? अभी भी हम लोग थर्मल ड्रोन से उन पर निगरानी रखे हुए हैं, और मुझे पूरा यकीन है यदि लक ने हमारा साथ दिया तो आज शाम तक हम लोग डेफिनेटली उन लोगों को पकड़ लेंगे। लगातार सर प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है कितनी टीमें लगाई गई हैं और क्या? देखिए, हमारी कम से कम 12 टीमें लगी हुई हैं, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, और पूरी टीम जो है ट्रैक कर रही है। थर्मल ड्रोन जैसे जैसे बता रहा है उसका डायरेक्शन, हमारी टीमें भी उस तरह से मूव कर रही हैं। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, जैसे ही वो हमारे घेरे में आ गया तो हम लोग उसको ट्रैंकलाइज करके कैप्चर कर लेंगे। और कोशिश ये की जा रही कि हर हाल में आज शाम तक इन आदमखोर भेड़ियों को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए, ताकि इस पूरे इलाके को दहशत से मुक्त किया जाए। भेड़ियों के आतंक की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। भेड़िए दबे पांव आते हैं और अपना शिकार करके ले जाते हैं। इतना सख्त पहरा होते हुए भी लोगों का डर खत्म नहीं हो पा रहा है। अभी तक जितने लोग मारे गए हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 8 बच्चे भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। भेड़ियों ने रात के अंधेरे को चुना और मासूमों को शिकार बनाया। इस इलाके में आदमखोर भेड़ियों के हमले से कई बच्चों समेत 9 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल हो जाने के बाद ऑपरेशन भेड़िया चलाने का निर्देश दिया, जिसके बाद से लगातार वन विभाग इन भेड़ियों की तलाश में जुटा हुआ है। थोड़ा डाउन हो जाएगा टेम्परेचर तो बढ़िया से आएगा, और उसके बाद हम अपना उसको कवर करके उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर भेड़िए को इतना उग्र नहीं माना जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी आशंका जता रहे हैं कि एक भेड़िया लंगड़ा हो चुका था, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी, और इसीलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना।
वन विभाग ने भी भेड़ियों के पद चिन्हों की पहचान की है, जिसमें सामने आया कि एक भेड़िए के पैर में दिक्कत है जिससे वो ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा और इसलिए वो आसान शिकार ढूंढ रहा है। महसी तहसील क्षेत्र के भेड़ियों का पहला हमला मार्च के महीने में हुआ था। उसके बाद मार्च में ही भेड़ियों ने दूसरा शिकार किया था। उसके बाद जुलाई के महीने से तो आदमखोर भेड़ियों ने आतंक ही मचा दिया है। वहीं 17 जुलाई से 27 अगस्त तक खूंखार भेड़ियों ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। महसी तहसील और उसके आसपास के इलाकों में भेड़िए बड़ी समस्या बने हुए हैं। अब बाकी बचे 2 भेड़ियों की लोकेशन कुलेला गांव में पाई गई है। अब उम्मीद है कि ये आदमखोर जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, जिसका यहाँ के 50,000 लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बहराइच से न्यूज 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट।